हाय फ्रेंड्स, हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वेज इंसेंटिव प्लान्स पढ़ रहे थे, जिसमें स्ट्रेट डे वर्क पीस रेट सिस्टम कर लिया था। आज हैसले प्लान या हैसले सिस्टम। तो ये प्लान जो है आवरली रेट पे होता है या डेली मिनिमम रेट पे जो है वर्कर को यह प्लान दिया जाता है। तो इन दिस सिस्टम एन आवरली रेट और मिनिमम डेली रेट इज गारंटीड टू द वर्कर। ए स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इच जॉब। प्रत्येक काम के लिए, प्रत्येक वर्क के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया हुआ होता है। उसी के हिसाब से जो है उसे जो है पैसे मिलते हैं, उसी के हिसाब से उसे वेज दिए जाते हैं, पर डे के हिसाब से या आवरली रेट पे। तो इसमें जो है बोनस अलाउड होता है 30% से 50% तक। मतलब स्टैंडर्ड टाइम से अगर कम समय में वर्कर काम कर लिया तो उसका बोनस बन जाएगा। तब हैसले बोनस का फॉर्मूला होता है S-T×R×% हैसले सिस्टम। कौन सा हैसले सिस्टम रखा गया, 30% रखा गया है कि 50% रखा गया, इस तरह से। तो यहाँ एस क्या है, एस स्टैंडर्ड टाइम है फॉर ए जॉब इन आवर्स। मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें जो टाइम लगता है, जो सामान्य वर्कर के द्वारा काम कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है तैयार करने में, उसे स्टैंडर्ड बनाया जाता है। पहले भी पढ़ा गया था स्टैंडर्ड टाइम, तो उसे जो है बनाया जाता है हर वर्क या हर ऑपरेशन के लिए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम पहले से फिक्स किया हुआ होता है, वही एस यहाँ पे है। टी एक्चुअल टाइम है जो कि आवर में है, जो वर्कर उस काम को कंप्लीट करने में एक्चुअली लेता है। आर है आवरली वेज रेट कि पर घंटे कितना जो है दिया जाएगा, कितने पैसे दिए जाएंगे एक घंटे में। टोटल अर्निंग का फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर इक्वल टू TR+S-T×R×% हेसले सिस्टम। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। हेसले प्लान में जो है 50% बोनस का जो है अगर है दिया हुआ, तब टोटल अर्निंग वर्कर का कितना हो जाएगा, TR+S-T×R, और 50% का मतलब हो गया 50/100, तो ये हाफ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया 50% के लिए टोटल अर्निंग का फॉर्मूला, जहाँ टी क्या है, टी है एक्चुअल टाइम जो वर्कर लेता है कोई पार्टिकुलर वर्क करने में, आर जो है रेट पर आवर, कितना जो है पर आवर पैसा दिया जाएगा, एस जो है स्टैंडर्ड टाइम है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया तैयार। अब जो है एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। द स्टैंडर्ड आउटपुट रेट ऑफ प्रोडक्ट इज 10 पर डे। पर डे जो है 10 रुपया है। द वर्कर्स रेट पेड अकॉर्डिंग टू हेसले 50-50 प्लान। मतलब 50% वाला ऊपर जो क्वेश्चन था 18 में आया हुआ ये, तो ऊपर जो 50% का फॉर्मूला निकाला है वो लगेगा। आवरली वेज रेट जो है 10 रुपीज है, 10 रुपया जो है पर आवर है। ए वर्कर हाउएवर कंप्लीट द जॉब इन 6 आवर। एक वर्कर जो है 6 घंटे में काम कंप्लीट कर देता है। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड आवरली वेज रेट। द टोटल अर्निंग बताना है और आवरली कितना जो है वेज रेट है ये बताना है। तो दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इन आवर्स 10 आवर। 10 आवर जो है दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम, जो ये है
ये 10 आवर है, आउटपुट रेट जो है 10 आवर है, तो इसके बाद एक्चुअल टाइम है कंप्लीट करने में जॉब को 6 घंटा लगता है, तो 6 आवर टी हो गया। आवरली वेज रेट 10 रुपया दे रखा है, तो 50% हेसले सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, टोटल अर्निंग ओवर कर टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी इंटू आर और 50/100। तो यहाँ सब मान रख देंगे, टी कितना अच्छा है, आर 10 है, 10 है एस और टी 6 है, इस तरह सोल्व करने के बाद 80 आ जाएगा। इसलिए बोनस बोनस निकालेंगे, कितना बोनस प्राप्त हुआ उसको, इस तरह से बोनस का फॉर्मूला लगा देंगे, पीछे दिखा रखा है बोनस का फॉर्मूला। ये होता है एस माइनस टी इंटू आर इंटू परसेंटेज बोनस, तो 50% वाला 50-50 प्लान है, 50/100 हो गया। इस तरह से हेसले बोनस कितना आ गया, 20। अब आवरली वेज रेट 80/6, तो 13 रुपया 3 पैसा, क्योंकि कम समय में काम कंप्लीट कर लिया, तो 13 रुपया 3 पैसा जो है पर आवर उसको फायदा है, पर आवर उसको मिलेगा।